चलिए भाई क्या हाल है सभी के क्या हाल है गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एक्चुअली में एग्जाम एक सिटी आ गई थी उसी वजह से बच्चों का कई सारा कहना था सर जी ये करा दीजिए वो करा दीजिए ये चीज़ें तो बहुत सारे बच्चों का हमने यहाँ पे एग्जाम सिटी ऑलरेडी देख लिया है कि कौन सा कौन से बच्चों का कब पेपर पढ़ रहा है तो अभी तक ये देखने को मिला कि बहुत ही ऐसे कम बच्चे मिल रहे हैं जिनका सोलह से लेकर बीस तक का पेपर हो रहा है तो अभी देखते हैं कि क्या चीज़ें चलनी है कैसी चीज़ें चलनी वो सब कुछ है तो आज जो है सेकेंड फेज का स्पेशल साथ ही साथ आज के बाद आगे आने जितने भी भाई पे बच्चों के पेपर्स हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो आपको आज का ये सेकंड पार्ट है इसका जो कि डेली शाम को सात बजे चलती है एक घंटे की ये वीडियो होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं जो थर्ड फेज वाले बच्चे उनका भी पेपर फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा तो डोंट वरी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते रहे क्योंकि जीके जीकेजीएस का लेवल बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है और मुझे पता कि आप सभी यहाँ पे सिलेक्शन लोगे ही लोगे ओके तो क्या कहती है जनता स्टार्ट किया जाए लेकिन अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा भैया भैया सभी के सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल अकाउंट में क्लिकेगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो से नोटिफिक मिलते रहे और आपको सारी की सारी चीजें यहां पे देखने समझने सुनने को मिलते रहे प्रैक्टिस बैच आपको ऑलरेडी पता है जब से पेपर स्टार्ट हुआ अट्ठाइस दिसंबर तब से लगातार जो वो प्रैक्टिस बैच यहां पर चली रहा है आपको बहुत सारी यहां पर वीडियो देखने समझने सुनने को मिल रहे हैं ओके गाइज पक्का तो क्या कहते हो स्टार्ट किया जाए एवरेज रेडी सभी के सभी तो एक बार जोरदार तरीके से कमेंट बॉक्स में सभी के सभी रेडी रे जो रेडी है वो कमेंट कर ही दीजिए और फिर हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को और समझते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हमने आज ले रखे हैं जो वाकई हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे हमारे पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे हर बच्चे का रेडी कमेंट मिलना चाहिए और सारी की सारी पी आपको टेलीग्राम ग्रुप में रात में मिल जाती है तो पी का इंतजार करते रहिएगा और रात में मिलेगा तो अंजन नेहा हर्षा सत्यम राहुल लवखान मकुल नीला निखिल मोनिका अविनाश अभिशा अभ्यास बहुत सारे बच्चे यहां पे ऑलरेडी आ, आ चुके हैं स्टार्ट कर देते हैं फिर तो और देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से क्या क्या हैं किस हिसाब से क्वेश्चंस है कैसे कैसे क्वेश्चन थे वो सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं तो पहला क्वेश्चन सभी प्यारे भाई बहनों के सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा ये बताओ जीवो का वर्गीकरण की जो पांच जगत अवधारणा थी यानी कि जो आपका जीवो का वर्गीकरण का जो पांच फाइव किंगडम के जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था इन सभी ऑप्शन में से और समय आप सभी के सामने यहां पे शुरुआत हो चुका है फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया था यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा चुका है जो कि बहुत ही आसान और आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो फाइव किंगडम जो कॉन्सेप्ट था यह दिया था याद रखेगा रॉबर्ट विटकर ने दिया था बहुत सारे बच्चे यहां पे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं और रॉबर्ट विटकर ने यह जो दिया था वो नाइनटीन में दिया था कब नाइनटीन तो यह भी आपको याद रखना है यह भी एक अच्छा पार्ट यहां पर निकल के आता है अच्छा यह बताओ जो एंडोप्लास्मिक एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो रफ होता है क्यों क्यों रफ होता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया उसके जो सरफेस होता है उस पर ऐसा क्या होता कि वो रफ होता है बताइए भैया अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन आराम से कर पाओगे हाँ, जो अंता प्रद्यवी जलिका होती है वो खुरदरी होती है क्यों खुरदरी होती है क्योंकि उनकी जो परतें होती हैं उस पर पाया जाता है राइबोसोम क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है इसी वजह से देखो अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी को पता ही है क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगातार बनना है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण है नेक्स्ट पे चलते हैं आप लोगों ने क्या मीना माता रोग का नाम सुना है सुना आप लोगों ने मीना माता रोग या फिर इस तरह के जो रोग होते हैं वो आप लोगों ने सुना है ना तो जरा ये क्वेश्चन बताओ क्या कहता है भैया हाँ पारा और नाइट्रेट के द्वारा दूषित पानी के सेवन से कौन सा रोग होता है इन सभी में से पारा और जो है यहां पे अगर आपने दूषित पानी वगैरह का पी लिया है उसकी वजह से कौन सा रोग होता है ये क्वेश्चन पूछा गया हाँ तो याद रखिएगा सबसे पहले तो समझिएगा पारा की वजह से क्या हो जाएगा आपको मीना माता हो जाएगा पारा बोले तो एच होता है तो ये तो ए बिल्कुल सही होगा लेकिन अगर दूषित पानी की बात करेंगे तो आपको याद रखना वो ब्लू रेबी सिंड्रोम है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हम बी को क्यों नहीं लगा सकते मैक्सिम बच्चा बी बोल रहा जो कि गलत आंसर है, है रीजन क्योंकि ऑस्ट्रियोपोरिस थोड़ी होता है आपको पारे की वजह से ये तो मीना माता रोग होता है ना तो हम ऑस्ट्रोपोरिस तो वैसे भी नहीं लगा सकते तो ऑप्शन नंबर आपका सी सी द राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा तो भाई सबको बात क्लियर हो गया अब हो सकता है आपके आने दिनों में पूछा जाए कि पारा से कौन सा रोग होता है तो आप कहोगे सर जी मीना माता रोग आसानी से बता पाओगे सबके सब नेक्स्ट पे आ जाओ रात के समय शांत जोन में जो अधिकतम शोर हो सकता है वो कितना ज्यादा है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कितना है क्योंकि आपको पता है रात के

फर्स्ट ऑफ दिसंबर को क्या मनाया जाता? तो मना जाता है तो एड्स डे मनाया जाता है तो थर्ड दिसंबर को विकलांग जो व्यक्ति है उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है अब यहां से दूसरा क्वेश्चन बच्चों के सामने क्या आ सकता है कि यह शुरुआत कब हुआ था तो याद जो शुरुआत हुआ तो वो 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी यानी ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे चलते देखते क्या कहता है बंगाल का जो प्रसिद्ध है कौशी गुजुरा प्रकरण ये किसके शासन काल में हुआ था आपको पता होगा कि बंगाल में एक जो है कांड हुआ था एक केस था जिसका नाम था कौशी जुरा ये केस के समय पे बंगाल में कौन उस समय वहां पे शासन कर रहा था ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा इस केस के टाइम पे जो बंगाल में शासन कर रहे थे वो वारेन हेस्टिंग शासन वहां पे कर रहे थे जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है बाद में ये अच्छा क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं आज के बाद सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कहता है परमाणु रिएक्टर में किसका जो है वो मॉडरेटर के रूप में हम यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं अगर हम परमाणु रिएक्टर्स की बात करेंगे तो हाँ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बहुत तगड़ा भाई हर हजार एक जैसे ही 500 बच्चे होंगे क्लैपिंग करते रहेंगे तो अभी पांच सौ फिर पांच जैसे कल हमने यहाँ पे 4000 बच्चे इकट्ठा करे थे तो सब के सब क्लैपिंग करिएगा जैसे एक हजार होंगे मुझे भयंकर वाली क्लैपिंग चाहिए और सबके सब, सब लाइक करेंगे फिर मिलकर तो मॉडेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का यानी ग्रेफाइट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ग्रेफाइट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल तगड़ा आंसर हो जाएगा आराम से आप इसको क्वेश्चन को कर पाओगे एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि मछलियों के बारे में क्वेश्चन है थोड़ा सा पूछते है देखते है कौन सा बच्चा बता पाता और जरा बताओ इसमें से सही वाली मछली कौन सी है यानी ट्रू फिश कौन सी है सबने नाम सुना है ये फिश वो फिश लेकिन ट्रू वाली फिश कौन सी मतलब एक्चुअली मछली जो है वो कौन सी है बताओ भैया <coughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया अब मामला गड़बड़ा है कि कौन सी यार एक्चुअली मछली है अरे सही बता देना सबके साथ हाँ बिल्कुल 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 तो कौन सी है याद रखिएगा तो सही जो मछली है? है ठीक है बहुत सारे पार्ट होते होते होता तो है वो, है। वो होते, वो होते। है फिश नेक्स्ट पे आते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया कि हर छह महीने में संसद की जो मंजूरी के साथ भारत में राष्ट्रपति शासन जो है वो बढ़ाया जा सकता है कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है राष्ट्रपति शासन अगर मानो कहीं रख गया तो हर छह महीने में बढ़ाया जा सकता है लेकिन कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है हां मैक्सिमम मैक्सिमम पूछा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन जो होता है वो मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है तीन सालों तक का कहीं भी तो आपको पता है पहले जब लगाया जाता है तो आपको पता है कि तीस दिन के लिए लगाया जाता है देन उसके बाद अगर समय वो नहीं सही होता तो उसको छह महीने के लिए लगाया जाता है देन उसके बाद इस पे सोच विचार करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको तीन सालों के लिए ही बढ़ाया जा सकता है एक अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे पूछा जा चुका है नेक्स्ट पे आ जाओ भैया देखते हैं क्या कहता है भाग चौथे का ए, नगर पालिकाओं को भारतीय संविधान से जोड़ना कौन सा संविधान संशोधन है यह क्वेश्चन पूछा गया सर जी थोड़ा सा बिटेट बढ़ा दीजिए जल्द तो जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर चौथे का ए के बारे में है कौन सा संविधान संशोधन था देखो बात की गई किसके बारे में नगर पालिका के बारे में तो अगर नगर पालिका में बात की जाएगी तो आप कहोगे सर जी चौहत्तरवां अगर हमने पंचायती राज के बारे में बात किया होता तो क्या कहते हैं तिहत्तरवां कहते तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आराम से कर पाओगे क्या हमने कहा पंचायती राज का तो कहोगे सर जी तिहत्तरवां अब हमने कहा नगर पालिका का तो आप क्या बोलोगे सिंपल सा चौहत्तरवां ये क्या हो जाएगा नगर पालिका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखते भैया क्या कहता है आप सभी के सामने कहता है कि श्वसन में यदि फलों के रस से ईस्ट मिलाया जाए तो सरकरा किस रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है यह क्वेश्चन 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 आप सभी से से पूछा गया है है बताओ भाई अच्छा है, सिंपल सा आराम से कर पाओगे हाँ। अगर हमने मान लो मिला दिया तो जो सर्क्र है वो किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी तो ये एल्कोहल के फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है एल्कोहल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मौसम एंड ऑल ने बिल्कुल इसका सही आंसर बताया तो एल्कोहल क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा कर सकते थे नेक्स्ट पे आते भाई ये बताओ जल की शुद्धिकरण की कौन सी ऐसी विधियों जो कीटाणुओं को मारती ही नहीं है मतलब शुद्धिकरण इससे करोगे ना तो कीटाणु वगैरह नहीं मरेंगे ऐसी कौन सी विधि है जल वाली जिससे कीटाणु नहीं मरते हैं हां सबने बहुत पढ़ा होगा कि भाई ये काम होता है तो ये जल में डाल दो ये प्यूरिफिकेशन के लिए डाल दो जम्स मर जाएंगे ये मर जाएंगे लेकिन ऐसी विधि है जिससे कीटाणु नहीं मरेंगे तो वो होता है आपका फिल्टरेशन फिल्टरेशन से कैसे किताड़ू मार दोगे भाई देखो बॉयल कर दोगे तो किताड़ू मर जाएंगे सिंपल सी बात है क्लोरीन एड कर दोगे आपको पता चल जाएगा ना क्लोरीन वगैरह उसमें डालते हैं जैसे बड़े बड़े जो आपके होते हैं जो नगर पालिका होते हैं वो क्लोरीन तो डालते हैं उससे मर जाते हैं डिस्टिलेशन से भी हो जाता है आसवन उसी को बोलते हैं लेकिन आपका फिल्ट्रेशन से क्या ही होगा कुछ नहीं होगा और इसी बात पर एक चीज तो हो जाएगा क्या क्लैपिंग हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चा जुड़ चुका है तो जैसे पंद्रह होगा फिर दो होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्लैपिंग करेंगे तो हर पांच बच्चे पे क्लैपिंग होनी चाहिए और जो बच्चा अभी लाइक नहीं किया सबके सब जल्दी से लाइक

बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 2019 का ये क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है बड़ा ही जिंदाबाद से क्वेश्चन है तो याद रखिएगा अमिताभ बागची इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या बात सभी की समझ में आ गई तो अमिताभ बागची साहब ने ये जो अवार्ड है वो जीता था जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है एक पूछते हैं आपसे ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्योंकि किताबों के बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये बताओ जरा था माइंड मास्टर ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है माइंड मास्टर देखो माइंड का गेम हार है अब समझ गया होगा कि, कि माइंड वाला मामला किसके साथ होगा है ना समझ गई ना जनता अपनी बहुत तगड़ा तो माइंड मास्टर जो माइंड वाला गेम होगा वो विश्वनाथ आनंद जी के साथ ही होगा है ना आपको पता है चेस मास्टर सबसे खतरनाक नेक्स्ट प्याजो भाई देखते क्या कहता है आप सभी के सामने पूछा गया कि सत्ताइसवा जूट जो चांद पुरस्कारम था दो का ये किसे दिया गया है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है एक राइटर है उन्हें दिया गया है जो पुरस्कार है ये ने ऑलरेडी ये पुरस्कार जो वो केरला साहित्य अकादमी के द्वारा मिली चुका है तो ये मिला हुआ आनंद साहब को किसे आनंद साहब को मिला हुआ है आनंद साहब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे आनंद साहब बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे ठीक एक और किताब के बारे में क्वेश्चन पूछते जो कि बहुत बढ़िया किताब है जहां से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कहता है ये बताओ कि डार्क फील एरी सिटीज न्यू हिंदी सिनेमा इन न्यू लेबरल इंडिया यह किताब को किसने लिखा है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बहुत बढ़िया बताओ भैया इस किताब को किसने लिखा है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है थैंक यू सो मच भैया संत थैंक यू सो मच बहुत सारे क्वेश्चन कह रहे हैं सर जी मिलते रहते मिलते रहते थैंक यू सो मच भैया संतोष तो यहां पे इस किताब को लिखा है रस पॉक सनिस मुझे लगता है ये किताब शायद रेलवे वालों ने ही ना दिया हो कभी भी जिंदगी में क्योंकि इतना खतरनाक नाम है और कितना खतरनाक किताब के राइटर हैं तो रेलवे वाले ने सोचा भाई जाने ही दो ऐसे किताब ना ही पूछो बच्चों से ज्यादा बढ़िया है नेक्स्ट पे जाओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं ये बताओ राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी वजह से मनाया जाता है अब तो ये बताओ वो रद्दी क्वेश्चन है इतना ज़्यादा कि अगर कहीं भी सोए भी रहोगे तो भी कोई उठा के पूछे हे ये बताओ राष्ट्रीय एकता दिवस कहोगे सर जी इसकी वजह से मनाया जाता है किसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसी के नाम पे तो आप सभी को पता है कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी गई है उस मूर्ति की हाइट कितनी है कहोगे सर जी एक बहुत बढ़िया मीटर और अगर फीट में पूछा गया तो पाँच फीट ये भी आप बता लोगे सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट पे प्याजो भैया क्या कहता है एक और आते हैं क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन कहता है द दिन रिवर बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इस किताब को किसने लिखा है नदी के ऊपर ही किताब लिखी गई है जब नदियों के ऊपर कोई किताब लिखी जाती हो हाँ बिल्कुल बढ़िया तो ये किताब को लिखा है, याद रखिएगा अरुप ज्योति सकैया किसने लिखा है अरुप ज्योति सकैया ने किताब एक बार नाम फिर से पढ़ लो सबके सब क्या कहता है द अनक्वाइट रिवर बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्रा की बायोग्राफी के बारे में बात है तो अर्प ज्योति सकै सभी को समझ में आगे दो हजार उन्नीस किसने जीता है ओपन दो हजार 2019 जो है वो किसने जीता है ये जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर बहुत बढ़िया देखो हम इसलिए दो हजार उन्नीस क्वेश्चन कवर कर दे रहे ना ताकि आपको परेशानी ना हो आप आराम से कर पाओ और आराम से चीजें समझ पाओ तो फुजाओ चाइना ओपन जो 2019 का खिताब जीता वो किसने जीता है? केंटो मोमोटा यानी है या? बात सभी को समझ में आ गई जनता नेक्स्ट पे आते हैं क्या कहता है ये कहता है ये बता दो भैया एक्स ईस्टर्न ब्रिज फाइव भारत और किस देश के बीच में संयुक्त वायुसेना का अभ्यास है यार अभ्यास से क्वेश्चन तो अभी तक पेपर में आए नहीं है

हमने यार मोदी जी के बारे में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं दो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है एक तो मोदी जी के बारे में एक तो नेहरू बाबा के बारे में तो जब मोदी जी के बारे में क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा तो इसका उद्घाटन कहा किया गया है बनारस में किया गया यानी वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है जो कि आपको पता है तेईस से लेकर छब्बीस नवंबर के बीच में करा गया था वाराणसी में और इसका उद्घाटन किसने किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों ने इसका उद्घाटन कर रखा था समझ में आया भैया सभी को क्या आसान लगा क्वेश्चन नहीं ना आज एक क्वेश्चन आया था इसमें से कौन इनपुट और कौन आउटपुट है हमने कहा शाम वाली क्लास में हमारे क्वेश्चन ऐसा दिखना चाहिए और दिख भी गया क्या कौन सा आउटपुट डिवाइस है इन सभी ऑप्शन में से सोच समझ के करना गलत नहीं होना चाहिए भैया ये बात का याद रखना आउटपुट डिवाइस कौन सा है इन सभी ऑप्शन में से जल्दी से बताइए भैया बहुत ईजी सा क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन हाँ तो याद रखेगा आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन सा इन सभी ऑप्शन में से तो दूसरा और तीसरा दोनों ही आउटपुट है भाई आप अगर बात करोगे स्पीकर की तो स्पीकर भी तो आउटपुट है अगर आप बात करोगे प्लॉटर की तो प्लॉटर भी तो आउटपुट है लेकिन स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आपके साथ ही स्पीकर और साथ ही साथ प्लॉटर ये दोनों के दोनों क्या है आउटपुट डिवाइस सिंपल सा क्वेश्चन है ये बताओ जो नॉट है ना कंप्यूटर का आप सभी को पता है कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं है ना तो कंप्यूटर के बारे में एक क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे आया हुआ क्या कि जो नॉट है नॉट बुलियन अभिव्यक्ति में इंगित करता है मतलब नॉट जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन में बात किया जाएगा तो किस चीज को बताता है नॉट एन एंड और नॉट गेट तो आप लोगों ने पढ़ा है ना हाँ तो वही तो नॉट है भैया तो नॉट जो होता है वो याद रखिएगा वो बताता है इनवर्जन को किसको इनवर्जन बोले तो ऑप्शन नंबर ए इनवर्जन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इनवर्जन यहां पे बिल्कुल सही और जबरदस्त आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया नेक्स्ट पे आ जाओ कंप्यूटर के द्वारा डाटा को संसाधित करने के लिए किस भाषा का उपयोग पेपर का क्वेश्चन देखा था आप लोगों ने यही तो पूछा गया था कि कंप्यूटर डाटा स्टोरेज करता है कौन से लैंग्वेज में स्टोरेज करता है और ये 2000 की फाइल वाले के क्वेश्चन हम करा रहे हैं और ये 2000 की फाइल में यही क्वेश्चन हमने कराया था और वहां भी आंसर बाइनरी था यहां भी आंसर बाइनरी है क्या बात सभी को समझ में आ रही है नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग देखते हैं क्या कहता है राउटर का उपयोग कौन किस लेयर में किया जाता है जरा जल्दी से बताओ राउटर का यूज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना तो कौन से लेयर में राउटर का यूज किया जाता है हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है तो जो राउटर का यूज होता है वो याद यादगा नेटवर्क के लिए गया था आप लोगों ने देखा होगा राउटर का लगाते नहीं है जब ब्रॉडबैंड लगाया जाता है जब नेट वगैरह लगाया जाता है तो उस समय राउटर लगाया जाता है तो ये बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा तो नेटवर्क लेयर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये भी हमारे 2000 भैया अब तो कहना ही नहीं है मैंने आपको 2000 क्वेश्चन की सीट दे रखी है ना बोलो हा या ना जो नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन है बोलो या हाँ ना मैं उसी का क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको विश्वास ना होगा तो जाकर देख लेना मिल ना जाए तो कहना और उसी में आया था कि नहीं आया था ना विश्वास हो आज ही जाकर डाउनलोड करके देख लो फिर कहोगे सर जी सब सब आया था अलग से ए एस सी आई आई का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा गया बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आराम से कर पाएगा मेरा सारा भाई

तो किस शहर का नाम अली नगर करा था तो कलकत्ता का नाम उन्होंने चेंज कर दिया था किसने सिराजुद्दौला ने और उसका नाम उसने कर दिया था अली नगर कलकत्ता का नाम चेंज करके अली नगर रखा गया था ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ महिलाओं के द्वारा गाए गए जितने भी भजन थे उनका संकलन कर दिया गया था उस संकलन को किस नाम से जाना जाता था यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जिंदाबाद बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये सारे के सारे मतलब एकदम मजा आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन है तो एक बार क्लैपिंग फिर से बनती है भाई क्योंकि ऑलरेडी पंद्रह सो बच्चे हो चुके हैं तो हर पांच सौ बच्चे प्लस पे हम लोग यहां पे क्लैपिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है क्लैपिंग की दुनिया में तगड़ा क्लैपिंग होना चाहिए और जो बच्चा जुड़ते जाएगा तुरंत लाइक करके आंसर कमेंट करना शुरुआत कर देगा और अपने कॉपी में नोट करते रहेगा उसको ये नंबर का क्वेश्चन ये नंबर क्वेश्चन नहीं आता ताकि फाइल से बाद में रिविजन कर लेना तो याद रखिए महिलाओं का जो कंप्लीट था जितने भी उनके द्वारा भजन गाए गए थे वो थेरी गाथा के नाम से उनको एक कंपाइलेशन कर दिया गया था और थेरी गाथा के नाम से उसका निकाल दिया गया था बिल्कुल सही आंसर थेरी गाथा यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखते हैं आज का उनतीसवां क्वेश्चन क्या कहता है प्रीवी पर्स का मतलब क्या है क्वेश्चन आ सकता है भैया क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन दो हजार में दिए वो सब के सब आपके पास पूछे जा चुके हैं तो प्रीवी पर्स पर्व का मतलब क्या होता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया और मैंने यहां पे समय शुरुआत कर दिया जरा जल्दी से बताइए प्रिवी पर्स मतलब क्या होता है जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आप सभी के सामने उनतीसवां नंबर क्वेश्चन क्या होता है भारत के राज भारत सरकार के द्वारा जो जो पुराने राजाओं थे ना उनको जो अनु अनुदान दिया जाता उनको जो ग्रांट दिया जाता था वही प्री पर आपका प्रिवी पर्स कहलाता था ठीक है उन्हीं को प्रिवी पर्स कहते थे नेक्स्ट है जो भाई तीसवां क्वेश्चन चुम्बी घाटी कहाँ पर है जल्दी से बता दो समय एकदम खत्म हो जाना चाहिए जल्दी से बता दीजिए चुम्बी घाटी कहाँ पर है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हाँ, बहुत तगड़ा तो चुंबी घाटी कहां पर है याद देखिएगा चुंबी घाटी जो है आपका वो हाँ सिक्किम में है सिक्किम थे राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आ चुका है भ्रष्टाचार पर शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर आया था जिसका नाम था वन फोर फोर जीरो जीरो ये कौन से राज्य ने शुरू किया था ताकि भ्रष्टाचार को कम कर सके इसकी वजह से यह हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था बहुत बढ़िया ऐसा कौन सा राज्य था जिसने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था ताकि भ्रष्टाचार को वो कम कर सके तो कौन थे भैया आंध्र प्रदेश द राइट आंसर अभी क्वेश्चन आंध्र प्रदेश यहां पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई किस नाम से इन्होंने शुरू किया था वन फोर फोर डबल जीरो आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश ने यह चीज़ की शुरुआत करी थी ताकि वो भ्रष्टाचार को कम कर पाए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लोग चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है सत्रह में फोर्ट विलियम की अध्यक्षता का पहला गवर्नर कौन बना था यानी बंगाल की अध्यक्षता देखा जाए बंगाल में देखा जाए सत्रह में सबसे पहला गवर्नर कौन था गवर्नर जनरल भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल क्वेश्चन कहता वही है घुमा खाली देता है हां बहुत बढ़िया बहुत शानदार तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था आप सभी को पता है वो वारेन हेस्टिंग था वारेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ जो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि वारेन हेस्टिंग के बाद कौन आया था है ना मैं पूछूं कि ब्रिटिश इंडिया का पहला कौन था गवर्नर तो भाई याद रखना ब्रिटिश इंडिया का जो था वो पहला था बेंटिंग कौन था बेंटिंग भाई बेंटिंग आए भाई है ना विलियम राइट आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट पे भैया मेरे देखते क्या कहता है अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये बताओ भाई तोलकापियम ये किस चीज का नाम है तोलकापियम आप कहोगे सर जी ये क्वेश्चन नाम आ गया हमने कहा भैया ये पेपर के क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस जो हमने कंपाइल करे थे वही से क्वेश्चन आपके सामने रखा हमने तो तोलकापियम जो है ये किसका नाम है तो एक तमिल का किताब है जो कि तमिल का ग्रामर वहां पे है मतलब उसको कंप्लीट ग्रामराइट किताब है ये तमिल ग्रामर का एक किताब है तो क्या नाम है तोलकापियम यानी तोल इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन क्या बात सभी को क्लियर नेक्स्ट पे आ आज का पेपर कौन बच्चा नहीं बता पाएगा जरा जल्दी से बताओ लोकसभा में अगर आपको होना है सिलेक्शन तो कितनी एज होना चाहिए हमने कहा था ना दो हजार की क्वेश्चन की फाइल अगर आपने डाउनलोड करके रट डाली ना तो हंड्रेड परसेंट सलेक्शन क्लियर है लोकसभा में हो ना हो लेकिन पेपर में जरूर हो जाएगा तो लोकसभा चाहिए तो पच्चीस साल रहिए और राज्यसभा चाहिए तो तीस साल रहिए लोकसभा का कार्यकाल पांच साल हो गया राज्यसभा का कार्यकाल छह साल हो गया क्या बात सभी को क्लियर हो गया नेक्स्ट पे आ जाओ भैया हमने पूछा कौन जो है वो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा से जुड़ा हुआ था मतलब बोले तो और ऑफ पार्टी लिस्ट मतलब कोई डेमोक्रेसी में पार्टी ही नहीं होनी चाहिए ऐसा बात किसने कही थी बताओ भैया डेमोक्रेसी जो चल रही है जो लोकतंत्र चल रहा है इसमें कोई पार्टी होगी ही नहीं ये बात कही थी जयप्रकाश ने किसने जयप्रकाश नारायण ने ये बात कही थी कि भैया कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए ये बात का याद रखो एक अच्छा क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था ठीक है ये बताओ कि क्या मैं क्वेश्चन को कराऊं या फिर आपसे बार बार यही बोलूं कि भैया लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो क्या कहती है जनता बोलो मेरा काम सिर्फ आपको क्वेश्चन का कलेक्शन देना कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको क्या काम है तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई आप लाइक भी करो शेयर भी करो सब्सक्राइब भी करो कि सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊं बताओ भाई बोलो जैसा फिर आप कहो अगर आप बिना कहे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर ज्यादा अच्छा है अगर मैं बार बार यही बोलूंगा बार बार यही बोलूंगा तो सौ सिर्फ और सिर्फ चालीस पचास क्वेश्चन कर पाऊंगा फिर आपको अच्छा भी लगेगा आप कहोगे सर जी हमसे लाइक भी कहो शेयर भी कहोगे तो इस तरीके से कहोगे दो हजार बच्चे के आसपास देख रहे हो फिर भी लाइक एक हजार है मतलब क्यों नहीं करते ये समझ में नहीं आता कि क्यों आके लाइक नहीं होता है है ना ये आप सभी से, से दो हजार क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आज भाई देखते हैं क्या कहता है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन है इन सभी में से कौन सा है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी में से इसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो रेपो रेट आप सभी को पता है रेपो रेट जो है वो रिजर्व बैंक का मॉनेटरी फंड मॉनिट्री पॉलिसी के अंतर्गत आता है रेपो रेट कम होना रेपो रेट ज्यादा होना इस पर भी क्वेश्चन आता है और ये भी आता है कि रेपो रेट क्या है लेकिन वो आपके लिए अभी एनटीपीसी एग्जाम में नहीं आएगा ये आ जाओ शाकाहारी के अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो किसका बना होता है मतलब शाकाहारी लोग जो खाना वाना खाते हैं ना उसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो आखिर में क्या खाते हैं शाकाहारी लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं यानी उनके बॉडी में सबसे ज्यादा क्या लगता है तो भाई शाकाहारी है तो सबसे ज्यादा उनके बॉडी में क्या लगा जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में हो गया केले वगैरह में ज्यादा होता है जिससे तुरंत एनर्जी मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं हैं जनता और देखते हैं क्या कहता अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पहले व्यवहारिक प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया था फर्स्ट प्रैक्टिकल लाइट बल्ब पहला राइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था भाई एक बार सबके सब शेयर कर दीजिए तीन हजार से ऊपर बच्चा दिखना चाहिए मजा आ जाए एकदम खतरनाक तरीके से तो पहला जो प्रकाश बल्ब था ना उसका अधिविष्कार किसने किया था एडिसन ने किया था ये तो आसान से क्वेश्चन हर बच्चा कर पाएगा सिंपल से सभी को पता है किसने किया था एडिसन ने कर रखा था जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से कर पाओगे नेक्स्ट पे चलते हैं हैं लोग देखते क्या कहता है आप सभी के सामने आ जाओ भाई कहता है कि क्षेत्रीय गुणवत्ता कॉन्क्लेव यानी बोले तो आर बोले तो रीजनल क्वालिटी कॉन्क्लेव एक ग्राहो वाला हुआ था जो कि दो में हुआ था ये आप सभी से पूछा गया ये कहां पर हुआ था दो वाला बहुत अच्छा भैया बहुत बेहतरीन बहुत शानदार तो 2019 वाला जो हुआ था वो सभी को याद रखना ये हुआ था उत्तराखंड में जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाएगा किसे उपवेदों के अंतर्गत नहीं किया जा रहा था मतलब ये नहीं उपवेद उपवेद है ही नहीं ऐसा कौन सा इन सभी ऑप्शन में से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत शानदार सा क्वेश्चन है कौन सा उपवेद है ही नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कौन सा नहीं है इन सभी में से उपवेद पूछा ना कि वेद पूछा है तो यजुर्वेद इज नॉट ए उप ये तो वेद है ना चार वेद है और बाकी सबके सभी को पता उप तो तो वेद के अंतर्गत आता तो चाहे अगर आयुर्वेद की बात करेगा ये भी एक उपवेद है ये भी उपवेद है ये भी है लेकिन यजुर्वेद तो एक वेद है ना ये उपवेद थोड़ी है समझ रहा हूं क्वेश्चन कैसे घुमाया और आपको कैसे गलती कर दिया समझ उस चीज को समझना तभी मजा आ पाएगा हाँ बहुत बढ़िया नेक्स्ट पे आ जाओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था ऐसा कौन सा शासक था जिसने झरोखा दर्शन शुरू किया था वैसे क्वेश्चन की मार लगने वाली है आप सभी के सामने है ना अच्छे क्वेश्चन है तो झरोखा दर्शन जो है वो किसने शुरू किया था ये याद रखिए अकबर ने शुरू किया था किसने अकबर ने शुरू किया था तो अकबर इधर राइट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे अकबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भूकंप का झटका पृथ्वी की ऊपरी सतह की परत के गड़बड़ाई गहराई तक गड़बड़ी के कारण होती है तो कहीं क्या पूछा गया किसके गड़बड़ी के कारण होती है बहुत तगड़ा बहुत बेहतरीन बहुत ही शानदार बहुत बढ़िया भूकंप का जो झटका है वो आप सभी से यहां पे कहा गया क्वेश्चन हाँ भूकंप का जो झटका है वो आप सभी को पता होगा कि झटका जो है वो किस नामक पृथ्वी की ऊपरी ऊपर की परत के अंदर गहराई तक गड़बड़ी कर होती है तो क्रस्ट है ना आप सभी को पता होगा क्रस्ट आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा क्रष्ट का तो वही वाला क्रस्ट है ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ भाई तिरालीसवां क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है ज़रा जल्दी से बताओ इन सभी में से कौन सा सही नहीं है आई थिंक आप सभी साथ समझ गए होंगे जल प्रपात के बारे में आप सभी से बात किया जा रहा है इन सभी ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो कौन सा सही नहीं है तो पापनासम हिमाचल प्रदेश इधर रॉन्ग आंसर ऑफ द क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा तो पापनासम जो है ये एक्चुअली में तमिलनाडु में स्थित है कहां पर है तमिलनाडु में तो भैया हमें ये तो पता चल गया हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो है कहां पर तमिलनाडु में है तो ये याद रखना है ठीक है दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए अगर वहां पर नहीं है तो कहां पर है ये बात आपको एक्चुअली में पता होनी चाहिए तभी मामला अच्छा हो पाएगा नेक्स्ट पे आ जाओ चौवालीसवां क्वेश्चन अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक राष्ट्रीय पुलिस जो है विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कहां पर होगा उत्तर प्रदेश में जहां ज्यादा जनसंख्या वहीं पे मामले निपटा दो तो कहां पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा ठीक है सी आ दो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में पंद्रह हजार करोड़ रुपए का निवेश के द्वारा एक आभूषण पार्क बनाया जाएगा बोले तो एक ज्वेलरी पार्क बनाया जाएगा कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट है पंद्रह हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी पार्क बनाया जाएगा कहां पर बनाया जाएगा ज्वेलरी पार्क हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा लड़कियां तो खुश हो गई कहे सर जी ज्वेलरी पार्क बनाया मतलब ज्वेलरी वहां पर रखा जाएगा हम देख सकते हैं किस किस तरह की ज्वेलरी रखी हुई है हाँ, हमने कहा बनाया तो जाएगा लेकिन यहां बनाया जाएगा ना जहां के लोग चुराते ना हो वहां पर ज्वेल पहुंचे हमने चोरी ही कर लिया वहां से ज्वेलरी तो कहां पर बनाया जाएगा ये मुंबई इधर आंसर क्वेश्चन मुंबई यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ना कि सूरत सूरत वाले बच्चे अभी मार खा जाओगे सूरत के तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं देखते क्या कहता अगला कहता है जो आपका हाँ यहाँ पे पूछा गया कच्ची जो कूची या फिर कच्ची इसको बोल सकते हैं नया साल किस रूप में मनाया जाता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कुची जो है वो नया साल किस रूप में मनाया जाता है पता नहीं कैसा क्वेश्चन है ये मे भी आया होगा किसी ना किसी एग्जाम में तभी यहाँ पे लिखा रखा आप सभी के सामने तो जो नया साल है वो किस रूप में मनाया जाता है अच्छा एक कम्युनिटी है एक्चुअली में कुची है ना तो ये लोग जो नया साल मनाते हैं वो आषाढ़ी बीज के फॉर्म में मनाते हैं एक पूरा के पूरा एक कम्युनिटी है जो ये नया साल मनाते हैं वो आषाढ़ी बीज के द्वारा बीज के फॉर्म में मनाते हैं जो कि जुलाई अगस्त में मनाया जाता है एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा सा है ये पूछता है कि कब जो है चित्तौड़ की सुसोदिया राजधानी अकबर के द्वारा जब्त कर ली गई थी चित्तौड़ की जो सुसोदिया राजधानी थी ना वो अकबर ने जब्त कर ली थी कब जब्त करी थी ये जरा जल्दी से बता दो भैया तो अकबर ने जब्त करी थी एक्चुअली में पंद्रह में पेपर में क्या क्वेश्चन आया था अकबर राजा कब बना था तो अकबर राजा बना था पंद्रह ईस्वी में और इन्होंने ये, ये राजधानी सुसोदिया जो है वो कब ग्रह जब्त करी तो अड़सठ ईस्वी में जब्त करी ठीक है जैसे अभी कितना बच्चा लाइव है तो अभी अठारह बच्चा लाइव है और इसका सही आंसर क्या होगा पंद्रह हो जाएगा मतलब तीन बच्चा हमारे पास अभी ज्यादा देख रहा नेक्स्ट पे आते हैं देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने ग्यारह के सन में किसको पराजित किया था रानी नाइकी जो है वो किसको पराजित करी हुई थी ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था जो कि एक बहुत ही ज्यादा शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है तो याद रखेगा मोहम्मद गोरी को उन्होंने ग्यारह में ही पराजित कर दिया था किसने रानी नाइकी देवी ने एक अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत कम बच्चों को पता होगा ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कहता कौन जो है एक छोटी प्लेट नहीं है इज नॉट अ छोटी प्लेट नॉट अ माइनर प्लेट इन सभी ऑप्शन में से क्वेश्चन पूछा गया ये वो वाली प्लेट है जो होता नहीं टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो आती हैं कि कौन सी कौन सी बड़ी प्लेट्स हैं कौन कौन सी छोटी प्लेट्स हैं ये वो वाला क्वेश्चन है गलती मत करिएगा हाँ तो कौन सा है अंटार्कटिका इज नॉट अ छोटी प्लेट क्योंकि आपको पता है जो अंटार्कटिका है ना वो एक्चुअली में जो है वो आपका जो सात बड़ी मेजर जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक्स उसमें अंटार्कटिका का नाम आता है और ये पांचवा सबसे बड़ा मेजर जो है प्लेट है तो इसी वजह से ये बिल्कुल यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा ये नहीं है अच्छा ये बताओ जीरो माइल सेंटर किसे बोलते हैं आप लोगों ने साथ सुना होगा ना कौन सा ऐसा शहर है जिसको जीरो माइल सेंटर बोलते हैं बताओ भाई बहुत बढ़िया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां से कई सारे जो चीजें हैं वहां का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल पास होता है तो जो जीरो माइल सेंटर बोला जाता है ये नागपुर को बोला जाता है किसको बोला जाता है तो नागपुर को बोला जाता है बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसानी से आप यहां पे कर पाओगे नागपुर यहां पर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे क्लियर है भैया अरे अगले क्वेश्चन पर चला जाए चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कौन सा द्वीप अरब सागर में छोटे प्रवाल एटोल और भित्तियों से मिलकर बना होता है ऐसा कौन सा द्वीप है जो बना हुआ एटोल से जो छोटी छोटी भित्तियाँ हैं उनसे मिलकर बना हुआ है? कौन सा ऐसा द्वीप है जरा जल्दी से बता दो बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा बहुत आसान तो भाई क्या हो जाएगा कौन सा ऐसा दीप है तो लक्ष्य दीप इधर द राइट ऐसा भी क्वेश्चन जो छोटे छोटे इन सब चीज़ों से मिल बना हुआ है आराम से कर पाओगे इस तरीके से कर पाओगे चले अगले क्वेश्चन पे चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है भाई आप सभी के सामने जो अगला क्वेश्चन यहां पे आता है वो आता है कि भारत के राज्य एड, राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है हमने यहां पे आपसे सेंटर के नहीं बात किया हमने राज्यों की बात किया है तो राज्यों का कौन करता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है हां बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो राज्यों का कौन करता है सबको पता होना चाहिए राज्यों का कौन राज्य तो राज्य के राज्यपाल करेंगे जो राज्य में सबसे बड़ा होगा वही उस राज्य का सारा का सारा मामला संभालेगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे तो भैया क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पे जाओ देखते हैं क्या कहता है पहला नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 कौन है भैया जरा जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत तगड़ा क्वेश्चन बहुत शानदार सा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है बहुत ही तगड़े तरीके से कर सकते हो भाई हाँ तो भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड इज द राइट आंसर ऑफ भी क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है जो आप ईजली तरीके से यहाँ पे इसको कर पाओगे नेक्स्ट पे आ जाते भैया देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है ये बताओ कौन सी नदी जो है वो दो नदियों चंद्र और भागा के संगम से निकलती है इन दोनों नदियों का संगम होगा चंद्र और भागा का तो ये वाली नदी निकलेगी कौन सी ऐसी नदी है जो निकलती है भैया हाँ और बताइए भाई कौन सी ऐसी नदी है जो निकलती है अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा आराम से कर पाओगे तो कौन सी नदी निकलती है तो चिनाब नदी निकलती है तभी तो इसका नाम है आपका चिनाब चंद्र और भागा तो क्या बन गया चिनाब बन गया चंद्र और भागा तो क्या बन गया भैया चिनाब बन गया अच्छा एक कौन से राज्य में बहती है चिनाब नदी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत अच्छा तो कौन से राज्य में बहती है भाई जम्मू कश्मीर नेक्स्ट पे आ जाओ एक ऐसी मछली है जो किसी भी शर्क से रहित होती है मतलब उसके ऊपर कोई भी स्केल नहीं पाया जाता उस मछली के ऊपर कौन सी मछली है भैया जरा जल्दी से बता दो ऐसी कौन सी मछली जिसके ऊपर कोई भी स्केल नहीं पाया जाता बताओ भैया जरा जल्दी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कौन से ऐसे मछली इसके ऊपर कोई भी स्केल नहीं पाया जाता है हां तो याद देखिएगा ऐसे कौन से मछली इसके ऊपर नहीं पाया जाता वो होगा कैटफिश क्या नाम है भैया इनका कैटफिश इधर राइट आंसर का क्वेश्चन कैटफिश यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर कोई भी स्केल नहीं पाया जाता है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट पे आ जाते हैं जरा देखते भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कहता है सूक्ष्म जीव जो सरकरा के एल्कोहल में रूपांतरण में किड़बन एजेंट के रूप में कार्य करता है जो कौन है किड़वन के एजेंट के रूप में कार्य करने वाला कौन है किड़वन के एजेंट के रूप में बताओ भाई बताओ भाई कौन है जो किड़वन के एजेंट के रूप में कार्य करता है सबको पता होना चाहिए कौन है जो किड़वन के एजेंट के रूप में कार्य करता है तो ईस्ट काम करता है ईस्ट के बारे में सभी को अच्छे से बात पता है भैया ईस्ट क्या है क्या काम करता है सभी को अच्छे से बात पता है अरे पक्का है क्या जनता अरे हाया ना बिल्कुल क्लियर है क्लैपिंग करोगे क्या लग रहा है आप लोग करपिंग करोगे क्या बहुत बढ़िया पी मिल जाएगी ना परेशान नहीं हुआ जाता कि सर जी पी दो पी दो पी दो रात में सारी पी मिल जाती है ठीक है एकदम परेशान नहीं हो जाता एकदम आराम से मौज काटो आराम से चीज़ें बताते रहो आराम से चीज़ें पढ़ते रहो आराम से चीज़ें समझते चीज़े रहो बहुत मज़ा आएगा सेशन में बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो वाकई पेपर में ही पूछे जाते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा समझते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन आ चुका है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे कब मनाया जाता है जरा जल्दी से बता दो भाई टीकाकरण दिवस ऐसे क्वेश्चन पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं तो टीकाकरण पूछा जाएगा तो नाइनटीन ऑफ जैन को मनाया जाएगा अब जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाना जैसे 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस उसी तरीके से टीकाकरण दिवस आपको याद रखना 19 जनवरी बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने ये बताओ किसी भी एक महिला के द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष उड़ान का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पे दर्ज है इस समय बताओ भाई क्या कहेगा ये क्वेश्चन का सही आंसर जरा जल्दी से बताइए भाई अच्छा क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर सकते हो तो अंतरिक्ष उड़ान का जो रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक है वो क्रिस्टीना कोच के नाम पर है यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पे क्या हो जाएगा डी बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा डी इज द राइट आंसर अभी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट पे आते भैया है उपयोगकर्ता के लिए एक मिस कॉल सर्विस जो है वो लॉन्च की गई थी जो आपको वहां पर फ्री नंबर है वो भी दे चुका है बैलेंस की जांच करने के लिए ताकि वो अपने बैलेंस को जांच पाए ये कौन सी चीज के लिए लॉन्च करी गई थी ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन अच्छा बताओ

बताओ भाई तो कौन से शहर में शुरू किया गया ये तो ये आपका नई दिल्ली में जब भी किसी के बारे में बात आए तो दिल्ली ही बोल देना कि वही सही हो जाएगा ऐसा नहीं है ना शांति से भाई ऐसा नहीं कि हमेशा ही वो दिल्ली ही सही हो जाएगा कभी कभार गलत भी हो जाता है इस चीज का भी ध्यान रखिएगा तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए क्या क्वेश्चन कहता है इसका ध्यान रखिए ये बताओ भारत किस देश के में एक समुद्री अनुसंधान समन्वय केंद्र स्थापित करेगा एक ऐसा देश है ना जहां पे भारत अपना खुद का केंद्र स्थापित करेगा कौन से देश में करेगा बताओ भैया कौन से देश में करने वाला भारत जरा जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर बहुत बढ़िया तो याद रखियेगा भारत कौन से देश में करने वाला है तो ये करने वाला है श्रीलंका में कौन से देश में करेगा तो श्रीलंका इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन वहां पर यह अपना एक कह सकते हैं ओरिजिन रिजन वहां पर जो है कंप्लीट स्थापित करने वाला है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किताब के बारे में आ गया क्वेश्चन कहता है क्रॉस द बेंच इन साइट द इन टू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम ये किताब किसने लिखी है अब देखो थोड़ा सा मिलिट्री वाले के बारे में बात है इसका मतलब कोई मिलिट्री वाला आदमी लिखा हुआ और सारे के सारे नाम मिलिट्री के ऊपर दे रखा है हाँ तो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं जिनका नाम है ज्ञान भूषण साहब इन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है किसने ज्ञान भूषण साहब ने इन किताब को इन्होंने लिखा हुआ जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर के लिए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा ही जाने वाला है नेक्स्ट पे में लोग बढ़ते हैं देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने कहता अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड ये रिपोर्ट आती है 2019 ये जारी कौन करता है ये बताओ हमने नहीं पूछा किसको मिला है पहला किसको मिला है दूसरा किसको मिला है तीसरा हमसे कहा ही मतलब जारी कौन करता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया इस रिपोर्ट को ये एक अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से बताइए तो इसको जारी करते हैं है कुस्मैन और वेक फील्ड में यानी ऑप्शन नंबर आपका कुस्मैन और वेक फील्ड इज राइट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा आ जाओ अगले पे क्या कहता है अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए भैया सबके सब किस दिन प्रतिभा खेल दिवस मनाया जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है जो कि अच्छा क्वेश्चन है जरा जल्दी से बताओ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है तो आपको पता है ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है खेल दिवस जो कि हर बार उनतीस अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस मोजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे यह चीज़ मनाया जाता है अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है यार आपको पता है कि जब खुदाई हुई थी तो डांसिंग गर्ल पाई गई थी जो कि कांसे की एक मूर्ति थी ये कौन सी सभ्यता में डांसिंग गर्ल पाई गई थी कांसे की जो मूर्ति थी वो कौन सी सभ्यता में पाई गई थी ये क्वेश्चन पूछा गया हाँ तो कौन सी सभ्यता में पाई गई थी सबको पता होना चाहिए सिंधु घाटी की सभ्यता में ही तो पाई गई थी मेसोपोटामिया गलत आंसर फारसी गलत आंसर मिस्र गलत आंसर तो क्या हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे डांसिंग गल की जो मूर्ति है जो कि एक कांसे की मूर्ति थी वो पाई गई थी नेक्स्ट पे आते हैं देखते हैं क्या कहता है अन्ना मैं मध्यगिन काल के कवि या गायक थे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है अन्ना मैं? एक बहुत ही भयंकर कवि बहुत ही अच्छे कवि और बहुत बढ़िया गायक थे और अभी ये किसी भारतीय राज्य से संबंधित है आसे अन्ना मैं और आसे आसे अन्ना मैं और आसे आंध्र प्रदेश तो बोले तो अन्ना मैं बोले तो आंध्र प्रदेश वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा तो अन्ना बोले तो आंध्र प्रदेश ये बात याद रखिएगा सिंपल से क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे नेक्स्ट पे चलते भैया सत्य में जैते कहां से लिया गया पेपर में हर बार पूछा ही जाता है किसी ना किसी तरीके से जल्दी से बता दो क्या हो पाएगा भैया हाँ सत्य में जैते कहां से पूछा गया कहा से लिया गया याद देखिएगा सत्य में जैते कहां से लिया गया मुंडे को उपनिषद से यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर भी क्वेश्चन जो बच्चा सी कर रहा भैया इतना मार खा जाओगे कि सुधर जाओगे नेक्स्ट पे आ जाओ देखते हैं क्या कहता है भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन जरा देखते हैं बहुत बढ़िया आहार में आयरन की कमी कौन सी बीमारी होती है अगर मान लो हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी जल्दी से बताओ भाई अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो सकती है हाँ तो अगर हमारे पास मान लो बॉडी में आयरन की कमी होती तो एक्चुअली हमें एनीमिया रोग हो जाता है कौन सा रोग होगा एनीमिया रोग हो जाता है अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग एनीमिया रोग हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखते हैं क्या होगा एक क्वेश्चन ये कहता है हेमोसाइनिन कुछ अकरेस्क जंतुओं में मौजूद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालो प्रोटीन है इस प्रोटीन में क्या होता है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई बताओ क्या होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो इसमें क्या होता है इसमें एक्चुअली में दो कॉपर के परमाणु होते हैं दो कॉपर के इसमें आइटम्स होते हैं अब आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा सर जी क्या आखिर होता है ऐसा क्या इसमें हो गया जो हमें भी नहीं समझ में आया है ना दो कॉपर के इसमें क्या होता है आइटम्स होते हैं नेक्स्ट पे कौन जो है विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है मतलब कि लेज़... अगर कोई लेजिस्लेटिव सेशन होता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन कौन यहाँ पे निकालता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है हाँ तो अगर कोई भी लेजिस्लेटिव सेशन होता है तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन निकालते हैं वो निकालते हैं याद रखिएगा राष्ट्रपति साहब कौन निकालता है राष्ट्रपति साहब देखो पुरानी किताबें तो पूछी जा रही हैं इसी वजह से मैंने आपके सामने एक पुरानी किताब रख दिया जिसका नाम क्या है वो आपको बताना है लेकिन लिखा कौन नहीं है मैं आपको बता दे रहा तो यशवंत सिन्हा जी ने लिखी है इस किताब की इनकी आत्मकथा इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है ये नाम क्या है इसका यशवंत सिन्हा जी की ऑटोबायोग्राफी है लेकिन नाम क्या है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया हाँ तो यशवंत सिन्हा जी की जो ऑटोबायोग्राफी इसका नाम है रिलेंटलेस क्या नाम है रिलेंटलेस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेहतरीन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखते हैं क्या है भैया अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कौन सा पुरस्कार भारत की एकता और अखंडता में सर्वो योगदान में सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है ऐसा कौन सा पुरस्कार है कि एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा देने वाला दिया जाने वाला पुरस्कार है इन सभी ऑप्शन में से हाँ तो कौन सा पुरस्कार है बहुत बढ़िया तो याद रखिए कौन सा पुरस्कार है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार, पुरस्कार है किस चीज में एकता में यूनिटी में आपको दे जरा देखते हैं क्या होगा बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय ब्रेन एटलस जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था कौन बनाया था इस क्वेश्चन को आप सभी से पूछा गया था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो किसके द्वारा बनाया गया था ये ये हैदराबाद के संस्थान ने बनाया था जो आपकी आप सभी को पता वहां की इंटरनेशनल देखो भाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वहां पे बनाया था बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो कि बड़ा आसान भी है नेक्स्ट क्वेश्चन पा आते हैं देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने भारतीय सेना के द्वारा सिंधु सुदर्शन अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है कौन सा अभ्यास है सिंधु सुदर्शन अभ्यास है जो कि भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया जाएगा यह किस जगह पर आयोजित किया जा रहा है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है बहुत बढ़िया तो जो यह अभ्यास है यह एक्चुअली में राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है कहां पे राजस्थान में अभ्यास जो है आयोजित किया जा रहा है बिल्कुल सही आंसर राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आप सभी के सामने देखते हैं क्या कहता है कि इन सभी के सभी जो तेल निगम आपको यहां पे दे रखे हैं इसमें पूछा गया विशेष शीतकालीन ग्रेड जो है डीजल लॉन्च किया गया जिसे बर्फ से रखे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है उसका नाम क्या है किसने किया है इस चीज को लॉन्च ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया भाई जल्दी से बताइए पांच सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका भाई हाँ तो क्या हो जाएगा सही आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन यानी इंडियन ऑयल ऑपरेशन इज द राइट राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन सा ऐसा स्थान है जो लूनी नदी के किनारे स्थित था सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जो कि लूनी नदी जो है उसके किनारे स्थित था चलिए भैया तो सही आंसर क्या हो जाएगा धौलावीरा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जो धौलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह था जो कि लूनी नदी के किनारे था तो लूनी नदी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया तो धौलावीरा यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है विजयनगर साम्राज्य के ऐसा कौन सा शासक था जिसने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में एक चर्च बनाने की अनुमति दी दी थी विजयनगर साम्राज्य का वो शासक था पुर्तगालियों को उन्होंने क्या किया था एक चर्च बनाने की अनुमति दे दी थी, थी ऐसा कौन सा शासक था जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन सा वेंकट सेकंड यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन याद भी ऐसे भी कर सकते हो वी से विजयनगर वी से वेंकट सेकंड यहां पे जो इन्होंने क्या किया था कि पुर्तगालियों को अपने शहर में चर्च बनाने की अनुमति दे दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखते क्या कहता है ग्राम प्रशासक के लिए जो जिम्मेदारी होती थी वो किसे दी गई थी ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया जब मराठा काल चल रहा था उसके दौरान जो ग्राम प्रशासक होते थे वो जिम्मेदारी जो है वो किसे दी जाती थी ये क्वेश्चन पूछा गया था मराठाओं के दौरान जब उनका शासन था उस समय अच्छा क्वेश्चन है आसान सा है बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर चलो तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे पे बी यानी कि ऑफ क्वेश्चन ये ये क्या करते थे वहां पूरा का पूरा जो है ग्राम प्रशासन संभालने का जो सारा काम होता था, था वो इन्हीं के ऊपर होता था, था तो पार्टिल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है काला पानी जो है वो कहां पर है वो किस रूप में काला पानी जो है सीधी बात पूछा गया काला पानी जो है वो कहां पर था आपको पूछा गया स्वतंत्रता से पहले ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसको काला पानी का नाम दिया जाता था जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि काला पानी का सजा दे दिया गया या फिर ऐसा कुछ भी तो ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बहुत बढ़िया तो काला पानी जो आप सभी को पता होना चाहिए कहां पे था तो अंडमान निकोबार जो दीप समूह था जो अंडमान निकोबार आइलैंड था वो काला पानी का फॉर्म था एक अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते थे बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था बहुत बढ़िया देखते हैं क्या हो पाएगा यहां पे क्या होगा सही आंसर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सतह के लंबवत किसी वस्तु पर अगर आपने कोई बल लगाया कैसे लगाया लंबवत बल लगाया तो ये बताओ इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे हमने कैसा बल लगाया भैया तो हमने एक लंबवत बल लगा दिया अब इस बल को क्या बोलेंगे जरा जल्दी से बताओ भैया लंबवत बल लगाया तो क्या बोलेंगे इसको अगर 90 डिग्री पे बल लगाओगे तो एक्चुअली इसको थ्रस्ट बोलेंगे लंबवत बल लगाया यानी हमने उसे क्या दिया धक्का दिया यानी बोले तो थ्रस्ट इज राइट आंसर भी क्वेश्चन थ्रस्ट बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखते हैं क्या कहता है भाई पौधे में पत्तियों की जो व्यवस्था होती है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है किसी भी पूरा प्लांट में इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं कि लीव्स का अरेंजमेंट है कौन सा नाम दोगे भाई इसको

बहुत बढ़िया भारत में कुल मिला के तीन सेशन होते हैं एक तो बजट एक तो मानसून और एक तो शीतकालीन तो गड़बड़ मत करिएगा कभी भी याद रखिएगा हमेशा तीन ही होते हैं कौन कौन सा एक तो बजट दूसरा आपको पता मानसून यानी एक बजट वाला सेसन आता है एक मानसून आता है और एक विंटर सेसन आता है अच्छा क्वेश्चन था सिंपल सा नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है आप सभी के सामने आज का अगला क्वेश्चन जलमार्ग फर्स्ट जो है वो किस वाटर सिस्टम पे आधारित है नेशनल वाटर वे वन आप सभी को पता है वाटर वेज के बारे में और इसमें गंगा नदी का यूज बहुत ज़्यादा है गंगा नदी का हाथ बहुत ज़्यादा है तो वाटर वेज फर्स्ट के बारे में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपको पता होना चाहिए कि वाटर वे जो फर्स्ट है वो एक्चुअली में गंगा नदी पर बना हुआ है तो गंगा भागीरथी हुगली ये सारी की सारी नदियाँ इसमें जो पार्ट लेती हैं और सबसे बड़ा लंबाई का जो वाटर वेज है वो भी यही है तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए आप सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे

ये लिखाओ मोनाड मोनाड नॉक लिखाओ मैकडोनल्ड नहीं लिखा भैया गलती मत कर देना मैकडोल्ड लिख के ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन हम यहां बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है सी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा जय हिंद भैया जय हिंद क्या हाल है बहुत बढ़िया आज अगले क्वेश्चन में देखते हैं भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें बोडले मेडल मिला था दो का कौन है भैया भारतीय अर्थशास्त्री है कौन सा अवार्ड मिला बोडले अवार्ड मिला कौन सा वाला दो वाला किसे मिला था हाँ, तो बोर्डले अवार्ड था दो हजार से सेन को मिला था अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है भैया अगर कभी भी अर्थशास्त्री के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई हो ही नहीं सकता हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ सिर्फ और सेन साहब ही हो सकते हैं आपका अमर्थ सेन इधर राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे चलते हैं देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है हाफ द नाइट इज गॉन ये किताब किसने लिखी है आधी रात चली गई भैया आधी रात जो है वो चली गई हाफ द नाइट इज गॉन ये किताब किसने लिखी है बताओ भाई बहुत बढ़िया तो हाफ द नाइट इज गॉन अमिताभ बागची और अभी आपको मैंने कराया था ना इनको अवार्ड भी तो मिला था दो याद आया का याद आया, आया कि नहीं आया इन्हें 2019 का अवार्ड भी तो मिला था बागची साहब को याद आया ना और इन्होंने कौन सी किताब लिखी हाफ द नाइट इज गॉन आधी रात चली गई और इसी वजह से इन्हें अवार्ड कहा लो भैया तुम आधी रात इसमें बता लो नेक्स्ट पे आ जाओ एक फुल फॉर्म पूछा गया क्या फुल फॉर्म है इंड इंडो कॉरपेट इस फुल फॉर्म का क्या मतलब है यह किस चीज का फुल फॉर्म है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंड इंडो कॉरपैट ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बताओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इंड Ind, इंडो जो कॉरपैट है ना ये किस चीज का है जरा तो इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटर पेट्रोल इज इज द द राइट आंसर बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा अरे पक्का है इंड मतलब हो गया इंडिया और इंडो मतलब हो गया इंडोनेशिया और कॉरपेट मतलब हो गया आपका यहां पे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या सारी जनता को बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है अरे हाँ या ना नेक्स्ट पे चलो भैया कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है कौन सा महीने में मनाया जाता है जरा जल्दी से बता दीजिए हाँ क्या कहता है कौमी एकता सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता, अच्छा तो मना जाता है जरा जल्दी से बताओ भाई अच्छा क्वेश्चन है सिंपल से कह तो नवंबर के महीने मनाया जाता है ना सिंपल से क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन सबके सब बच्चे बता पाएंगे नेक्स्ट आज जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है भाई आओ भाई बताओ अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला लिंग निष्पक्ष छात्रावास जो है वो बनाया गया है ऐसा कौन सा शहर में <णिरे> मतलब जेंडर जो है वो न्यूट्रल हॉस्टल वहां पे मतलब कोई किसी से वो नहीं मतलब है वहां पे जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल है वो ऐसा कब बनाया गया ये क्वेश्चन कौन से शहर में बनाया गया ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया बहुत बढ़िया तो कौन से शहर में बनाया गया ये याद रखिएगा मुंबई में बनाया गया है कौन से शहर में तो मुंबई तो मुंबई इज द राइट आंसर भी क्वेश्चन मुंबई यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया आप सभी से भाई क्या होगा अगला क्वेश्चन का सही आंसर पहला ब्लू बॉन्ड किसने प्रस्तुत किया है कौन से देश ने ब्लू बॉन्ड सबसे पहला वाला प्रस्तुत किया है जब इसकी पीडीएफ मिला करें तो पूरे पीडीएफ का एकदम खतरनाक तरीके से एनालिसिस कर डाला करो है ना कि क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ एकदम कंप्लीट एनालिसिस कर डालो करो एकदम मजा आ जाए कुछ बचे ना ये बात याद रखिएगा तो पहला जो है आप सभी से पूछा गया ब्लू बॉन्ड किसने प्रस्तुत किया तो याद रखिएगा ससल्स से ने किया प्रस्तुत किसने ससल्स ने प्रस्तुत किया ऑप्शन नंबर ए ससल्स राइट आंसर क्वेश्चन ससल्स ने यह प्रस्तुत किया है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट पे आ जाओ तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था जरा जल्दी से बताओ भाई जो तराइन का पहला युद्ध था ना वो जीता किसने था ये बताओ बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो तराइन का पहला युद्ध था ना वो जीता था पृथ्वीराज चौहान ने किसने पृथ्वीराज चौहान ने कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ग्यारह सौ इक्यानवे में दूसरा कब हुआ था ग्यारह सो बानवे में जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं देखते क्या कहता है भैया अमर सिन्हा किसका नाम है क्या नाम किसका नाम अमर सिन्हा है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है जरा जल्दी से बताइए बिल्कुल तो अमर सिन्हा जो है वो किसका नाम है याद रखिएगा अमर सिन्हा बिल्कुल यहां पे क्या बोलोगे बहुत तगड़ा यार तो ये भारत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जो है वो आपका लेक्सिकोग्राफर थे लेक्सिकोग्राफर इज द राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल यहां पे सही आंसर यानी बोले तो एक कोशकार थे लेक्सिकोग्राफर थे है ना नेक्स्ट पे आ जाओ प्रतिरोध का SI मात्रक जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भैया कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है यानी रेजिस्टेंस का SI यूनिट अगर आप सभी से पूछा जाएगा तो क्या बताओगे हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस का जो ऐसा SI यूनिट होता है इन सभी ऑप्शन में से क्या होगा तो आप बोलोगे सर जी ओम ओम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का ऐसा SI यूनिट होता है जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा नेक्स्ट पे पेजो देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने बिना पके भोजन से छुटकारा दिलाने में मदद कौन करता है भाई बिना पके भोजन हो गया अब इसे छुटकारा दिलाना तो मदद कौन करेगा जल्दी से बताओ दो भैया ये हमने कल भी देखा था जिसको मैंने आप सभी के कहा था फाइबर होगा तो, हो तो यहाँ पे क्या होता फाइवर इज द राइट आंसर भी क्वेश्चन जिन बच्चों को याद होगा वो शायद तुरंत सबसे पहले सही आंसर बता पाएंगे नेक्स्ट पे जाओ भैया

अगला जो क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने मेघालय में विश्व की सबसे लंबी जो बलुआ पत्थर की गुफा की खोज की गई है उस बलुआ पत्थर की गुफा का क्या नाम है जिसकी मेघालय में खोज करी गई है बहुत बढ़िया सबसे लंबी वाली बलुआ पत्थर की खोज करी गई सोच लो क्या नाम है उसका मेघालय वाले का हां तो क्या नाम है उसका याद देखिएगा क्रेमपुरी इज द राइट आंसर ऑफ तो द क्वेश्चन क्रेमपुरी बिल्कुल ओमपुरी नहीं भैया ओमपुरी कई सारे बच्चे बता रहे हैं ओम है ही कहा इसमें जो बता हुआ

देखो जिनको बहुत डिटेल से चाहिए तो मैं अभी दो दो हज़ार जो क्वेश्चंस जो मैंने दे रखे हैं फाइल वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इनकी फाइल है जिसमें आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा बायलिंगुअल तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो उसी के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं तो आपको वो डाउनलोड करने का ऑप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो आप जाके वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण भी है तो याद रखिएगा इसको डॉ ए जे अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ था है ना अच्छा क्वेश्चन था बियॉन्ड ट्वेंटी ट्वेंटी विजन फॉर टुमारो इंडिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान की श्रेणी में जो इन्फोसिस पुरस्कार होता है तो ये दो वाला किसने जीता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दो वाला जो जीता था वो जीता था सुनीता सरावगी ने यानी ऑप्शन नंबर आपका ए द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा है ना सिंपल सा हो गया नेक्स्ट पे आ आप सभी के सामने क्या कहता है भैया ये बता दो इग्रहावा एग्रोविजन यानी इंडियाज प्रीमियर एग्री समिट इसका जो विषय है वो कौन सा था इग्राहवा वाले का हाँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है बताओ भैया क्या होगा तो क्या होगा भाई इसका जो विषय था वो था ऑप्शन नंबर यानी स्मार्ट टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही इसका विषय था ऑप्शन नंबर ए ए राइट आंसर क्वेश्चन पे बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था सिंपल आप आराम से कर पाओगे नेक्स्ट पे आते हैं देखते हैं आज का सौवा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका भैया शिखर से पुकार ये जो शब्द है ये आखिर किस चीज से संबंधित है क्या शिखर से पुरस्कार शब्द किस चीज से संबंधित है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा चुका है जरा सा पुरस्कार किससे संबंधित है हा किससे जल संरक्षण पर वित्त चित्र से किससे जल संरक्षण पर वित्त चित्र से, से संबंधित है कैसा लगा आज का सेशन आज हमने एक घंटे में कवर करने की कोशिश करी और आई थिंक हमने कवर कर लिया आप यहाँ पे देखो आप सोचोगे ना ये सच्चा मैं पीडीएफ डेफ ही लेकर क्यों ना पढ़ लूँ तो देखो वो बात भी सही है बट होता क्या है कि पीडीएफ लेके अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रह पाती जैसे ऐसे आपको देखा कि इसका ये आंसर इसका ये आंसर इसका ये आंसर इसका ये आंसर तो ये आपको पी याद हो जाती हैं आप जब इसको बाद में पी जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ इसीलिए लाइव सेशन को अटेंड करना बहुत जरूरी भी होता है थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए और रीजनिंग की क्लासेस के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो रीजनिंग क्लासेस मैं देखता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर करा पाऊंगा किस तरीके से रीजनिंग क्लासेस आपको मिल पाएगा और 2000 की फाइलें जो मैंने तैयार करवा रखी वो बहुत सारे क्वेश्चन उससे पेपर में मिल रहे हैं तो आप उन 2000 क्वेश्चन की फाइलें को डाउनलोड कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसमें मैथ भी जीके जीएस जी भी आपको रीजनिंग के भी साढ़े सात सौ जबरदस्त क्वेश्चन मैं वहाँ पर करा रहा हूँ वो के सब आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत तगड़े तरीके से आपको समझ में आएंगे ठीक है चलो थैंक यू सो मच अब मिलेंगे सीधे कल सुबह कितने बजे नौ बजे जहां पे मैथ्स में आपको मैं बताऊंगा कि एस आई सी आई वाकई क्या इतनी कठिन है क्या नहीं ना तो बहुत आसान होती है एस SI आई और सी आई और हम इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे वो कल सुबह नौ बजे की जो वीडियो आएगी जो कि फेज टू स्पेशल वीडियो होगी वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मैं कराऊंगा तो आज कितने कितने सही हुए जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ सभी बच्चे शेयर को इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले एक बार सभी के सभी जो नया बच्चा वो सब्सक्राइब करके जाइएगा बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा और एक बार शेयर जरूर मार दीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर थैंक यू सो मच भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच